हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं सालन बना रही हूँ पायों का। तो ये पाए मैंने दो लिए, दो ख़रीदे हैं मार्केट से। तो इनको छोटा छोटा करवा लिया है इस तरह का, और इन पे बाल बहुत होते हैं। वो अच्छे से चुन के फिर धोया, इनको धो के अभी हम इनको पकाते हैं। ये छोटे दो पाए हैं और 2 किलो पानी मैंने रखा है, और इसमें डाल देंगे पाए। ये जो है ना पायों के नीचे खुरियें, ये मैंने जला के फिर निकाली हैं। ये देखें, तीन बड़े प्याज थे, दरमियाने हैं तकरीबन। तो ये डाल देंगे इसमें, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं। ये एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन है, ये कुटा हुआ पिसा हुआ नहीं है। ये पानी इतना ज़्यादा डाला कि हर चीज़ इसमें गल जाएगी। ये 5-6 साबुत मिर्ची थी जो हमने दादड़ कर ली हैं। इसमें थोड़ा सा नमक डाल के हमने इनको इस तरह का पीसा है, ज़्यादा पीसा नहीं, दादड़ किया है। तो ये डाल देंगे। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और बाकी काम इसका बाद में करेंगे, जब तक ये गल ना जाए। तो चेक करते हैं, पाए हमारे गले हैं या नहीं। 2-2.5 घंटे हो गए हैं इस तरह के हुए। निकाल के चेक करते हैं। अभी काट के देखते हैं। गल चुके हैं, अभी और 10 मिनट के लिए रखेंगे। तो पाए हमारे बिल्कुल गल चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, पानी सारा खुश्क हो चुका है। अभी हम तड़का बनाते हैं। घी इतना ज़्यादा नहीं डालेंगे, इतना ही डालेंगे क्योंकि पायों में खुद ज़्यादा निकल आता है। तो ये प्याज और लहसुन पिसा हुआ है, इसका तड़का बनाएंगे। तो ये प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, मसाले गले ना। ये 1/2 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पिसा हुआ ये डालेंगे। ये 1/2 छोटा चम्मच हल्दी का, ये 1 चम्मच छोटा सुर्ख मिर्च, और 1 चम्मच नमक का, और थोड़ी सी काली मिर्ची पिसी हुई ये डालेंगे। इसके साथ ही हम ये 2 बड़े टमाटर थे वो हमने छिलका उतार के काट के रखे हैं वो डाल देंगे, और ये 3 सब्ज़ मिर्ची हैं जिनको कट लगाया है वो डाल देंगे। मसाला हमारा भुन चुका है ये देखें। तो अब हम जो पाए हमने पका के रखे थे वो डालते हैं। मसाले को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करना है, थोड़ी देर के लिए भूनना है इनको। आप भी ऐसे बनाना, बहुत टेस्टी बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए
से शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना।